तो नौगांव में ओबीसी महासभा का विशाल यहां पर कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के बाद यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। बस एक मिनट एक मिनट, क्या बात है, विधायक जी थोड़ी सो आप लोग स्पेस बना लो भाई जी, सब लोग आएंगे तो फिर फोटो खींचेंगे आप लोग। ए थोड़ी और पीछे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अब समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी, जय बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जिसके जितने संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे पता आज के आयोजन को लेकर, जो कि 20 तारीख का आयोजन रखा गया था, कुछ अगर मीडिया के साथ ही अगर मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचाएं कि छतरपुर में सरकार भाजपा की और केंद्र में भी भाजपा की, किसके सहारे पर रातों रात यहां के चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो या आप लोग हों, ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है इस मध्य प्रदेश के शासन में। ऐसी राजनीति पहली बार देखने में आ रही है कि जब कभी शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का काम किया जाता है सामाजिक तौर पर, और सामाजिक आयोजनों का कार्यक्रम जब रखा जाता है, उसका प्रचार प्रसार हम लोग जब गांव मेहनत करके गांव ग्रामीण उनमें में जाते हैं, तब आनंद फानंद में यहाँ के जो तथाकथित नेता हैं या उनको जो संरक्षण देने वाले नेता हैं इसी मध्य प्रदेश शासन की, तो क्या उससे आगामी आने वाले समय में, एक मैं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, आगामी आने वाले समय में इस सरकार को नुकसान नहीं देगा? हमारे आयोजनों को विफल करने के लिए, रोकने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये आदेश देख लिया, रविवार को आदेश जारी किया गया, ये आदेश थोड़ा सा ऊपर करिए भाई साहब, हाँ, इसमें डेट देखिए आप, आज रविवार है, रविवार के दिन सारे अधिकारियों को आनंद आनंद फानंद में यह आदेश पारित किया गया। चूंकि डीएम साहब जो हैं ना चाहते हुए भी यह आदेश लागू करना पड़ा, तो क्या समझ रहे इस आज बंजर भूमि से यह आवाज नहीं गई? अरे यह आयोजन होना ही सफल हो गया क्योंकि नौगांव में रखा गया, और यहां तो वैसी सत्ता विपक्ष का विधायक था तो सरकार को तो वैसे ही इसमें मदद ही करनी चाहिए थी, सरकार का इसमें क्या नुकसान था? सरकार की तो एक सीट अगर होती तो खाते में जाती, नहीं है तो अब तो और खतरे में पड़ गई। सीधी बात, एक मिनट एक मिनट सुनिए, तो मुझे बात रखने दीजिए। दूसरी बात ये, अब आते हैं हम ज्ञापन पर, भाई यहाँ पता तो चलना चाहिए लोगों को, सत्ता विपक्ष का विधायक है और पक्ष के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कर्मचारी, हाँ नहीं नहीं, तो इनको ये, क्या, ये, इनको ये, क्या बताने के, नहीं नहीं, अरे आपको आप तो अपनी बात के माध्यम से मैं जानकारी भेज रहा हूँ, एक बात एक संविधान, एक बात एक संविधान, पूरा एक बात जानकारी बोले वही बोले, कांग्रेस भी वही है और भाजपा भी वही है, ये समझने की जरूरत है, एक शब्द ये समझने की जरूरत है, एक चीज होना चाहिए। अब मैं आता हूँ ज्ञापन पर, अब मैं ये चाह रहा हूँ जो ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन में मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मुझे ये छह विधायकों के साथ साथ समूचे बुंदेलखंड के अंचल में जितनी सीटें आती हैं और अड़ोस पड़ोस तरफ थोड़ा बघेलखंड भी चलेंगे, थोड़ा चंबल भी चलेंगे, क्या इन विधायकों ने इन चीजों को मांग रखी है जो ओबीसी महासभा के संगठन के माध्यम से रखी जा रही है? तो पहचानने की जरूरत की जनप्रतिनिधियों में क्षमता है आपके क्षेत्र की विकास करने की या नहीं। प्रथम मांग हम
किसानों से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा कृषि प्रधान और मध्य प्रदेश की कृषि प्रधान स्टेट है और राज्य है। आज के 40 वर्ष पहले हाइड्रोफोनिक और एनोफोनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 वर्ष पहले यह पद्धति लाई गई, जो कि साउथ इंडिया में 20 साल से लगातार इस पर काम हो रहा है और वहाँ के किसान बहुत संपन्न हैं और खुशहाल हैं। तो अब आते हैं ज्ञापन के पॉइंट पर। हाइड्रोफोनिक एनोफोनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा में, इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यह ज्ञापन हो रहा है, किसान भाइयों एवं बहनों को प्रशिक्षित कर आधुनिक खेती से लाभान्वित किया जा सके। इस खेती को प्रशिक्षित किसानों को सरकार द्वारा मूलभूत ढांचा तैयार करवाकर किसानों को 50% अनुदान राशि सब्सिडी देने का काम करें। किसानों को MSP मूल्य पर ही फसल खरीदी की जावे एवं ओलावृष्टि, अधिक वर्षा, कम वर्षा से नुकसान होने पर MSP दर से प्रति हेक्टेयर उनको मुआवजा दिया जाए, ना कि ऐसा कि 5000 2000 वो भी 100%। दूसरा, इस विधानसभा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पान खेती और पान किसानों की बड़ी समस्या है। पान की खेती पर आश्रित खाली एक समाज नहीं करता, ये सभी समाज के लोग पान खेती करते हैं। पान खेती पर आश्रित पान किसानों के लिए सरकार द्वारा देश आजादी के बाद से आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की राशि आज दिनांक तक सहायता न होने के कारण आज पान की खेती विलुप्त होती जा रही है। पूर्व में आपके द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 2018 में घोषणा की गई थी कि पान विकास निगम बोर्ड बनाया जाएगा, जो आज दिनांक तक अमल में नहीं आया था। आपसे पुनः अनुरोध ओबीसी महासभा संगठन मांग करता है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द तैयार किया जाए। तीसरा, स्व सहायता समूह, ये एक बड़ा हमारे बहने हैं जो स्व सहायता समूह में और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो आशा कार्यकर्ता हैं, उनके लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार नियमित रूप से उपलब्ध ना हो पाने के कारण समूह बहने, क्योंकि वो हमारे शोषित पीड़ित समाज की बहने हैं, स्वावलंबी योजनाओं के तहत एक इंडस्ट्री ढांचा में लाकर जिनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात हो सके, जिसके लिए स्व सहायता समूह बहनों को 365 दिन रोजगार प्राप्त हो सके और यहाँ की खान पान और संस्कृति का विस्तार भारत के अन्य राज्यों और विदेशों तक जा सके। तीसरा, चौथा पॉइंट, छतरपुर जिले में IT सेक्टर के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनीज जैसे कि कॉल सेंटर, BPO, IT इंडस्ट्री इत्यादि स्थापित किए जाएं, जिससे कि यहाँ के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। अब ये जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, अगर यहाँ पे IT और BPO आ जाएगा तो इसके माध्यम से इनका बनाया हुआ जो खाना पीना, जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें टेस्टी, जो संस्कृति वो कल्चर हमारे देश के अन्य राज्यों में विदेशों तक भी जा सकती है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था होगी, ये बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ की जनप्रतिनिधि सोचते नहीं है इन कामों पर, तो मैं उनको चेताना चाह रहा हूँ, सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि भाई इस पर काम किया जाए। समूचे बुंदेलखंड के छात्र छात्राओं को प्रोफेशनल बेस्ड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PG कॉलेज, जैसे सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी फार्मा कॉलेज, सरकारी टेक्निकल कॉलेज जैसे कि बायोटेक्निकल, माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, जिसके अध्ययन से यहाँ के साथ साथ समूचे बुंदेलखंड अंचल छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक रिसर्च संस्थानों में रोजगार का लाभ तुरंत प्राप्त हो सके, जिससे नवयुग भारत का निर्माण हो सके। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे बच्चों को तत्काल वहाँ से डिग्री पाई और यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सारी चीज़ें होती हैं सरकारी व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे छतरपुर का, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा हम लड़ते रगड़ते रहते हैं किसी को और घर आने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। महासभा संगठन सबका ख्याल रखने का काम कर रही है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे लिए बड़ी चैलेंज की बात है और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ये नकारापन कहें या इनको क्या कहें, उन शब्दों को मैं जवान पे ना ही लाऊं तो ठीक है, क्योंकि ये जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे यहाँ के जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने जितनी मेहनत करके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाए थे, उसके बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपनी निष्क्रियता दिखाते हुए उस मेडिकल कॉलेज पर रोक लगवाने का काम किया है। और पहले एक जो मेडिकल कॉलेज आया था वो दतिया पहुंचा था नरोत्तम मिश्रा साहब को, तो इस मेडिकल कॉलेज की मांग अब सुनिए। मेडिकल कॉलेज का छतरपुर में अतिशीघ्र भवन निर्माण करवाया जाए, जिससे जिलेवासियों के साथ साथ आस पड़ोस के अंचलों के लोगों को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ओबीसी समाज, अब आते हैं ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं पर। ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं के लिए तहसील स्तर पर 500 बच्चों के लिए, क्योंकि किसान पर आधारित लोग हैं और किसान पर आधारित लोग इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो छतरपुर में जाके, या नौगांव भी एक शहर है, नौगांव में आके 5,000-5,000 10,000 रुपये किराया भर सकें। इसलिए आप सुनिए, ओबीसी समाज की छात्र छात्राओं को तहसील स्तर पर 500 सीटर बच्चों के लिए हॉस्टल खोला जाए, जिसके लिए पूर्ण रूप से मूल सुविधाओं सहित मुहैया करवाया जाए। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए निःशुल्क, एक और बड़ी बात आई इसमें,
निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम जैसे बोर्डों की परीक्षाओं की उनको तैयारी मिल सके। अभी बात इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें कि जरूरी है, मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा एक बड़ा चैलेंज है, आपके लिए भी है, सभी समाज के लिए, किसी ऐसा नहीं ओबीसी एससी के लिए, मध्य प्रदेश पीएससी में बैठे द्रोणाचार्य उंगली काटने अंगूठा काटने का लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अंदर क्या गेम चल रहा है पता नहीं चलता, अपने बोर्ड बैठ जाते हैं, अपने लोग बैठ जाते हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं का गला रेतने का काम करते हैं, उनके नंबर ज्यादा होने के बाद भी उनको मेरिट से नीचे लाने के लिए इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, जानबूझकर कम दिए जाते हैं, जाति आधारित लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए वह उनकी सारे पेपर पत्री देख के उस हिसाब से बांटने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में परीक्षा में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर इंटरव्यू व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जावे, ओबीसी एससी एसटी एवं बैकलॉग लाखों पद पड़े हैं साहब, एकल द्वार से जो एंट्री चल रही है वो हमारे समाज का चोरी हो रहा है, ये आरक्षण तो ठीक है, ये अलग चोरी चल रही है दाएं बाएं, यहाँ से कलेक्टर भी तो आप तो पढ़ते जाइए, इनको थोड़ी या कुछ करना है, आप तो पढ़ भर दो इनको थोड़ी कुछ करना है, व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समूचे जिले में छतरपुर में खनिजों का अपार भंडार होने के कारण खनिजों से संबंधित इंडस्ट्री स्थापित की जाए, जिससे जिले के अड़ोस पड़ोस में जो पलायन हो रहा है, अड़ोस पड़ोस के जिलों के पड़ोस के जिलों के पलायन पर रोक लगाई जा सके, यहाँ के कामगारों को मजदूरों को यहाँ पर रोजगार स्थापित हो सके, ओबीसी एससी एसटी के कर्मचारियों को चिन्हित कर समूचे मध्य प्रदेश में राजनीतिक नेताओं एवं उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को मिल रहे संरक्षण के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब, आपकी सरकार बनाने बिगाड़ने में बड़ा उनका रोल होता है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे नेताओं और अधिकारियों पर अंकुश लगाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करे, ओबीसी आरक्षण को संख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाए, अब हमें 27% आरक्षण नहीं चाहिए 27% आरक्षण, अब हमें मंडल कमीशन की पूर्ण अनुशंसा कर जल जंगल जमीन के साथ शैक्षणिक प्रशासनिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए साहब, 27 में पेट नहीं बनने वाला, सबने अपनी संख्या अनुपात में ले ली, हमें अपनी संख्या अनुपात में चाहिए, और जातिगत जनगणना जल्द से जल्द ओबीसी समुदाय की कराई जाए, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मध्यान्ह भोजन वाली महीने उनका जीवन अंधकारमय कर दिया गया है, इस क्योंकि उनको दैनिक वेतन भी नहीं मिल रही है, इनका भी भविष्य अंधकार में है, इस वर्तमान समय की ताबड़तोड़ महंगाई को देखकर इनका दैनिक वेतन सरकार नहीं दे पा रही है, ना ही इनको शासकीय सुविधाएं दी जा रही है, अतः आपसे संगठन पुरजोर तरीके से मांग करता है कि इनकी वेतन 21,000 रुपए प्रति माह की जाए, उनको 2,000 मिल रहे हैं, 2,000 में तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है, बताइए आप, 2,000 में झाड़ू पोंछे वाली नहीं मिल रही, मैडम आप तो देखते ही सारी चीजें, शांति रखो, ज्ञापन है, बड़ा ज्ञापन है, सब दो ज्ञापन है, समूचे छतरपुर जिले की पुलिस की उदासीनता एवं राजनीतिक विशेष प्रतिनिधि, आप समझिए इसको, राजनीतिक विशेष प्रतिनिधि का आशीर्वाद होने के कारण लगातार नियम विरुद्ध जातिवादी राजनेताओं के इशारों पर समूचे जिले में वर्तमान पुलिस के अफसरों द्वारा हजारों फर्जी केस रजिस्टर करवाए जा रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे अफसरों का तत्काल प्रभाव से जिले से बाहर स्थानांतरण किया जावे एवं लंबे समय से जमे भ्रष्ट अधिकारियों को भी जिले से स्थानांतरित किया जावे। चौदह नंबर पे आते हैं हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह, ये हमने बड़ी डिमांड रखी है, क्योंकि उनको जाने, हमारे आने वाली जो समाज है, जो हमारे बच्चे हैं और समूचा समाज उनको जाने, स्वर्गीय श्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न सम्मानित किया जावे एवं भारत के सभी राज्यों में, अभी सुनिए तो, अभी भारत के सभी राज्यों में स्वर्गीय श्री नेताजी के सर्व सुविधा युक्त स्मारक तैयार कर उनकी जीवन शैली के परिचय को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि वो इस देश के नेता थे, किसी जाति विशेष के नहीं, जो उनके ऊपर टैग लगा दिया गया था। समूचे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द लागू कराई जावे, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बिंदु क्रमांक 1 से 15 तक वर्णित समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से निराकरण करवाया जाए। मैडम आपसे भी आग्रह है, ये मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार उनको 2,000 हमारी दूसरी मांग ये भी है कि मतलब यहाँ पर जो हमारे जो यादव समाज के और बघेल समाज के जो पीड़ित लोग हैं, जो बागेश्वर धाम के द्वारा जो उनकी जमीन को दबा के रखा है, आपके संज्ञान में, आप राजस्व अधिकारी हैं, आपको पता है उनका सर्वे नंबर कौन सा है और उनका कौन सा है, जब उसके बाद भी वो बेघर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
ये अंकुश ना, ये सरकार और सरकार के साथ प्रशासन पे भी जाता है। उसका कारण ये है कि पूरी तरह से जहाँ सरकार नहीं है, सरकार भी है ना, सरकार के द्वारा जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अगर हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा समाज पूरी तरह से कमजोर है। हमारा अगर हमारी ये बात अगर हमारी सरकार तक ये बात नहीं जाती तो बड़ा आंदोलन भोपाल में ही होगा और मुख्यमंत्री निवास पे ही होगा इस काम के लिए। दूसरा पार्ट पढ़िए, उसका है दूसरा ज्ञापन की बागेश्वर का जो मामला है कि उनने वो किया है, तो हम क्या कर रहा है, मीडिया ये कह रहा है कि हम लोग गलत तरीके से उठा रहे मांग। अगर खसरा नंबर है, सारी चीजें हैं, तो उसको जमीन उसकी वापस कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि आप लोग जबरदस्ती को भड़का रहे हैं, जबकि परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ खुद बोल रहा है कि हमारी जमीन ने हड़पी है और उसके बाद खसरा नंबर है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। पूरा गलत है, गलत है तो हम पे कार्रवाई करते क्यों नहीं? उसकी जमीन अगर गलत है, कोई भी हो लोकतंत्र में, चाहे वो किसी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, भाई प्रधानमंत्री ने किसी की जमीन नहीं छीन सकते। बागेश्वर धाम ज्ञापन एक बार आप उसको पढ़िए। बागेश्वर धाम ऐसा है कि इस समय न प्रधानमंत्री उसके सामने न राष्ट्र कोई नहीं है, सर्व ये जा रहा है, चूंकि बहुत लंबी लाइन है परिस्थिति है। और ये देखिए आप, अब इसमें हमारे विषय आ जाते हैं, विषय ठीक है, राष्ट्रीय महामहिम के नाम से है और राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, गृह मंत्री जी के नाम से, राज्यपाल साहब के नाम से, मुख्यमंत्री साहब के नाम से, गृह मंत्री जी की, मध्य प्रदेश के भी गृह मंत्री जी हैं इसमें, और पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस मुख्यालय है, जिला कलेक्टर हैं, जिला एसपी भी हैं इसमें, इन सभी लोगों को ये ज्ञापन जाएगा। अब ज्ञापन पर आते हैं, ये हमारी मूल मांगे हैं। उपरोक्त विषय में लेख निवेदन जाइए, पहला पॉइंट आता है ओबीसी जातिगत जनगणना कराई जावे, दूसरा आता है 52% आरक्षण संख्यानुपात में दिया जावे, मंडल कमीशन की पूर्ण शर्तें लागू की जाए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, भारत सरकार के चारों स्तंभों में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, वही पुराने वाले मुद्दे हैं। चलो दे दो, हाँ ये है मुद्दा, यहाँ पर आया है जमीन वाला मामला आया है, वही धीरेन्द्र शास्त्री साहब का। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भूत प्रेत के नाम से SC ST OBC की महिलाओं को और अर्धनग्न करने करके नचाया जाता है, उस पर शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए। कृष्ण कुमार पटेल, नरेंद्र पटेल, देवी प्रसाद पटेल पर झूठा मुकदमा 376D वापिस ले सरकार। प्रजापति समाज एवं रजक समाज को संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति में रखा जाए। अति वर्षा के कारण फसल का बोली दिया है, पहले बागेश्वर हो गया है, ये क्या है खसरा क्रमांक, ये तो अपन ने दे दिया उसमें। हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता राम कृपाल शास्त्री सेतुलाल के नाम से BPL कार्ड क्रमांक 5388, ये BPL कार्ड भी इनके पास। अरे यार आपने इसको दिए नहीं, हम बोलना था BPL 100 बार बताया कि आज भी BPL कार्ड में है। अच्छा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी उसकी भी तो जाँच कराई जाए, गरीबी रेखा में है। अब बताओ जो आरब खरबपति आदमी है वो गरीबी रेखा में, भाई इनके अभी आज गरीबी रेखा के सामने कहना चाहता हूँ इस बात के लिए, ज्ञापन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो आदमी अपने आप को जब अमेरिका तक जाता है, पूरा खर्चा उठाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा है, जाते ही मध्यप्रदेश सरकार ने सिक्योरिटी दे दी है और वो आज उसका परिवार गरीब है, तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग पैसे वाले वो गरीब है और जो जिनके पास कुछ नहीं है वो अमीर है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह जातिवादी व्यवस्था के अनुसार इतना संरक्षण दिया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे इसके लिए प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये पूरी तरह से ऐसे लोगों पे 420 और 467 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, क्योंकि अब इनका BPL कार्ड पकड़ गया है। BPL इनीवर का बन गया था, काहे के छतरपुर में पूरे लोगों को बनवा रहे हैं 558 पंचायतों में। अच्छा, एक आदमी का बन गया, सब चीज हो गया। बागेश्वर धाम का धाम का जरूरी है, धाम पर एक वर्ष में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितनी चोरी हुई, कितनी गुमशुदगी हुई, कितनी चोरियां हुई, कितनी गुमशुदियां हुई, कितनी मौतें हुई, जो FIR दर्ज हुई है पूरी चीज पढ़ लो, उनकी CBI जांच कराई जाए, ये प्रमुख मुद्दा है। ग्राम गढ़ा में धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कब्जा, ये बड़ी पढ़ी है अच्छी तरह से, इसको मुक्ति धाम है, मुक्ति धामों पर भी कब्जा है मैडम, पढ़िए आप, क्या है आप पढ़िए पढ़ो। मुक्ति धाम, मुक्ति धाम साहू कुशवा समाज का मुक्ति धाम,
वो भी छीन लिया गया, साहू समाज का, सिवारे समाज का, आदिवासी समाज का, अनुसूचित जाति के लोगों का प्राचीन काल से वहाँ संस्कार करते थे, उनकी उसको भी खाली कराया जावे, मतलब शमशान घाटों पर भी ये हो गया है। जहाँ पर धाम का दरबार लगाया जाता है जो कि 14 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है, उसको ग्राम पंचायत गढ़ा के श्री जमुना पूर्व सरपंच ने बनवाया था, जो कि शासकीय संपत्ति है, इसको भी खाली करवाया जाए। वहाँ से धाम चला रहे हैं? हाँ, धाम चला रहे हैं। मतलब ये प्रजातंत्र, मतलब ये आपका ये सामुदायिक, ये हम, अरे आप उस पे न चाहिए, आप इस पे जाइए, आप इस पे जाइए, विधायक नीति भी आ रही है, मेरा नहीं, आप उस पे जाइए कि कोई भी शासकीय संपत्ति में किसी धर्म का कोई संस्था नहीं चलाई जा सकती है, ये आपका संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है। हाँ, आप ये क्या है, हमारा देश है, हमारा देश, हमारा, आप सुनिए, हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष, और जब धर्म एक धर्म की कैसे चला सकते हैं? अब विधायक कानून कार्रवाई, अभी शासकीय विधि, विधायक निधि से, विधायक निधि से जो घोसी अभी घूम रहे हैं हमारे पीछे, आगे पीछे समाज के हमारे परेशान हो रहे हैं, विधायक निधि से घोसी समाज भवन बनाया गया था, ठीक है, वहाँ पर घोसी समाज द्वारा विधायक निधि से बना था, उस पर कब्जा खाली कराया जाए, निजी भूमि पर घर बनाया गया है, घोसी समाज को हवन दिया जावे, ग्राम गढ़ा में जो भी शासकीय बिल्डिंग थी, जो धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा तोड़कर माता पिता के लिए घर बनाया, ये शासकीय बिल्डिंग तोड़ रहे, आप सुनिए, ये शासकीय बिल्डिंग थी, शासकीय बिल्डिंग को तोड़ करके और उसमें अपना घर बनाया गया, इसमें बुलडोजर चलाया जाए, यही हरे है क्या बात कर रहे हो? अगर ये ना हो तो हम बता रहे हैं, ये ना हो बताइए आप, मैं चल सरकार बिल्डिंग को तोड़ के अपने घर बना, हाँ, अरे यार ये धर्मशाला था, अरे क्या बात कर रहे हो, धर्मशाला हाँ, ये आखिरी वाला सुन लीजिए, ओबीसी के वरिष्ठ सदस्य चंदलापुर विधायक आरडी प्रजापति व प्रदीप चौरसिया को ओबीसी महासभा कार्यकारी परिषद सदस्य को जान से मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है, अतः सरकार से अनुरोध है कि श्री आरडी प्रजापति को सुरक्षा प्रदान की जाए, हाँ सुरक्षा, सुरक्षा हो, बाबा का मिल जाए, हमें नहीं चाहिए बाबा भरी के, जब बाबा पूरा देश को रक्षा कर सुरक्षा दे रहे, पता नहीं कैसा पकड़, समझ नहीं आ रही है कि सरकारी बिल्डिंग तोड़ी कैसे जा सकती है, अरे यार साहब उनका है यार, मैं कह रहा हूँ जब सरकारी सरकारी एक आदिवासी की जमीन, आदिवासी के नाम से पीडी शर्मा ने 28 एकड़ जमीन आदिवासी के नाम कराई, खदाने खराई, आदिवासी की जमीन लेता बड़ा टांडा बचा भी है पूरे जिले में, रुपये अभी अब बता रहे आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं चलते तो नहीं 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 एक बार ज्ञापन दे देते हैं सर, इसके बाद संविधान का सारी चीजें इसको नहीं करते तो 15 से 20 देते हैं, ठीक है।